ये रैपिड फायर राउंड है और थोड़ा मुस्कुराने वाला है, और इसमें आपको सिर्फ एक तस्वीर चुननी है। बताइए ना सर। आइए जरा, पहला जो हमारा यहाँ पर सवाल है, थोड़ा सा और आगे आना पड़ेगा, यहाँ पर इस तरफ मेरी तरफ आना पड़ेगा। ये देखिए, तो एक बार फिर से जोरदार तालियां हो। पहला सवाल यहां पर आपके सामने आ रहा है, एक तस्वीर चुननी है पप्पू जी आपको, प्ले करिए जरा। अब सवाल हमारा यह है, बेहतर जन सेवक कौन, आनंद मोहन या पप्पू यादव जी? सर ये दुनिया से पूछ लीजिए, हमसे ना पूछिए। हम कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते सर। मुझे राजनीति नहीं आती, मैं सेवक हूँ, मददगार हूँ, मुझे राजनीति नहीं करनी। मैंने जनसेवक ही पूछा है। बस मैं राजनीति मुझे नहीं करनी है। अब मुझे गंदगी में नहीं पड़ना है। मैं ना कभी माला लेता हूँ, ना मैं कभी उजला कुर्ता पहनता हूँ, ठीक है, ना मुझे कोई गोरक धंधा आता है, ठीक है। साफ सुथरा बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं। जितना आनंद मार्ग से संस्कार मिला, ओशो की फिलॉसफी को जितना मैंने जाना, कबीर का जो विद्रोही नेचर है, मैं इस राउंड में बोलना नहीं है, बस एक तस्वीर सुनना ही रहना। अगला, जोरदार तालियों अगले सवाल के लिए जरा दिखाइए। अगला बड़ा इजी सवाल है वैसे आपके लिए, दिखाइए जरा। बिहार का बेहतर मुख्यमंत्री कौन, नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव? सर ये बेहतर सामाजिक न्याय के प्रतीक है, वो बेहतर विकास के प्रतीक है। जोरदार तालियां हो जरा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगले सवाल के लिए मैं जाऊंगा जरा, हमारे गेस्ट का जोश बढ़ाइए, जोर तालियां बढ़िए। अब दिखाइए अगला सवाल कौन है, ये थोड़ा टफ सवाल है। बेहतर वक्ता कौन, प्रियंका गांधी या, ये तो आप जानते ही होंगे, रंजीत रंजन जी? देखिए मैं एक बात बहुत क्लियर बता रहा हूं, पत्नी है आपकी, एक बेहतर मैं बहुत क्लियर हूं कि बहुत साफ गोई, बहुत साफ सुथरा, बेबाक बोलने वाली एक महिलाओं में, जहां पर वो, आप इससे उम्मीद मत कीजिए कि किसी की बुराई, किसी की बुराई, जो सच है वो ये बोलेंगे। और प्रियंका गांधी जी के बारे में बहुत क्लियर है, वो एक डायनेमिक और डैशिंग पर्सनैलिटी है उनकी, और आप इसको समझ लीजिए कि जिसके भीतर कोई डर नहीं, ये दोनों है जिसके भीतर कोई डर। आपने एक गेंद से पार्टी और घर दोनों संभाल लिया अभी सर, फिर वही बात। खैर अब अगला सवाल दिखाइए जरा जोर से। सर ये भी मेरे लीडर हैं, वो मेरे बड़े लीडर हैं। ये तो मैं समझ सकता हूँ, ये भी मेरे लीडर, ठीक है। जोरदार तालियां अगले सवाल पे। अगला सवाल जरा दिखाइए हमारा, ये देखिए, बेहतर नेता कौन, तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव? सर वो चालाक हैं, उनको राजनीति आ गई है, इनको राजनीति नहीं आती है, और ये साफ सुथरा जो बोलते हैं बोल देते। अगला सवाल, जोरदार तालियों, बड़े स्ट्रेट जवाब आ रहे हैं, थोड़ा जोरदार तालियां हो पप्पू जी के लिए। अगला जवाब आपको देना जरूरी है, बहुत जरूरी है, दिखाइए सवाल हमारा जरा। बिहार का भविष्य कौन, तेजस्वी यादव या पप्पू यादव जी? सर बहुत क्लियर हैं, उनको मौका मिला, पिता माँ और खुद परिस्थिति ने उनको मौका मिली, परिस्थितियां हीरो बनाती है, अवसर सबको मिलता है, चुनता कोई कोई है, मुझे परिस्थिति ने मौका नहीं दिया, उनको परिस्थिति ने मौका दिया, अब परिस्थिति को तय करना है कि बिहार का भविष्य कौन होगा। वैसे आप वोट किसको करेंगे दोनों में से जी? आप वोट किसको करेंगे? हमको यदि वोट करना पड़ेगा तो यार मुझको वोट करना पड़ेगा तो मैं आदमुग्धी तो हूं नहीं, लेकिन मैं MP रहा तो 24 घंटा बिजली मिली, मैं MLA रहा तो भ्रष्टाचार खत्म हुआ थी, मैं MP था तो मेडिकल काउंसिल। सीधा जवाब दीजिए। सर पप्पू यादव के बारे में आप जानना चाहेंगे तो मैं इतना कह सकता हूं कि हमको जो जिम्मेदारी मिली, आप वोट किसको देंगे? अब एक बात मैं बोलूं, बड़ा सीधा सवाल है पप्पू जी। मैं बहुत सीधा सवाल है, उनको तो नहीं ना दूंगा। अच्छा ठीक है।